पहला कदम रखा है थार बॉक्स पे, अच्छी फीलिंग आ रही है, एक्साइटमेंट है नई थार में, फर्स्ट टाइम थार रॉक्स। देखो इस बीस्ट के लिए कंफर्टेबल है, कंफर्टेबल है, सुन सा पड़ चुका हूँ मैं, पहली बार थार रॉक्स चलाएंगे भाई, मतलब ऐसे ये थोड़ा सा रगड डिटेल, हर वेरिएंट के अलग अलग फीचर, सब कुछ आपको दिखाएंगे। इसका सिंबल ये है, वाइट कलर में भी क्या खतरनाक ला रही है, और भी मैंने थार में से आई है ऐसा कुछ, 19:30 का है ना शायद ऑन रोड, वो 4x2 में। सो हे गाइस एंड वेलकम बैक टू ब्लॉग चैनल अगेन, मेरा नाम है परमदीप सिंह, आप सभी देख रहे हैं परम ऑन व्हील्स। टाइटल थंबनेल पढ़ लिया ना सबने भाई, ये वीडियो बहुत खास है, बहुत ज्यादा स्पेशल है। इस वीडियो के अंदर हम आए हैं चंडीगढ़, अभी चंडीगढ़ में हूँ फिलहाल मैं, और हम लोग जा रहे हैं गाड़ी देखने के लिए। बहुत टाइम से प्लानिंग चल रही थी, 4x4 गाड़ी लेंगे, बेहतरीन सी गाड़ी होगी, तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। चंडीगढ़ में पहुंच चुके हैं हरबीर ऑटोमोबाइल्स पे, और बात कर रखी थी भाई आज की, तो चलिए फटाफट चलते हैं, कौन सी गाड़ी क्या है सब 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 मजा आने वाला है, इतना बोलूंगा। बीस्ट बीस्ट देखने आज हम जा रहे हैं, लेट्स गो, ज्यादा बातें नहीं करेंगे, गाड़ी दिखाएंगे, चलिए। सो गाइस ये अपन लोग आ गए हैं चंडीगढ़ के अंदर, हरबीर ऑटोमोबाइल्स है महिंद्रा। देखो भाई गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ बीस्ट मिलेंगी, वो खड़ी स्कॉर्पियो एन XUV700। चलो भाई चलो चलो उधर आ जाओ, भीड़ तो काफ़ी है भाई, देख टेस्ट ड्राइव के लिए आएंगे सारे। तो भाई ये है थार रॉक्स, देखो इस बीस्ट के लिए आज अपन लोग आए हैं देखने के लिए, एक बार अंदर बैठ के आप बैठ के देखो, मैं पीछे से देखता हूँ, ये है ना 5-door, और ये आपको मिल जाता है भाई, पहला कदम रखा है थार रॉक्स पे, अच्छी फीलिंग आ रही है। इसमें आपको MX5 होगा, ये MX5 वेरिएंट में से आपको ऐसा वाला सनरूफ मिलता है, टॉप वाले में तो बड़ा वाला मिलता है ना, ये वाली सही। कैसी लगी जिमनी से? तो अरे सीधा भाई थार रॉक्स से बैठते जिमनी से कंपैरिजन अच्छी लग रही है। और इसमें पता क्या चीज है, और ये व्हाइट कलर में इसलिए दे रखा है जिससे कि थोड़ा स्पेस फील भी हो। अब देखो पीछे इन्होंने बिल्कुल पीछे कर रखी है सीट, और आगे भी पूरा अपने अकॉर्डिंग कर रखा है, उसके बाद भी मेरे को सही स्पेस है, सीधे हो गए पैर, और पीछे जगह है बहुत, ऊपर ये देखो सनरूफ, मजा आ गया, पसंद आ गई, बहुत अच्छी, बस यही बुक कर दे, अभी बुक कर दे फिर यही वाली बुक कर दे। तो भाई इसमें बूट स्पेस भी दिखाते हैं आपको, पहले ये ओपन करना पड़ता है, फिर शीशा, हाँ ये पहले भी थार में ऐसे ही बोलता था। तो भाई बूट स्पेस आपको बहुत अच्छा मिल जाता है, काफ़ी अच्छा सा स्पेस है इसके अंदर, और यहाँ छोटा सा ये भी आपको मिल जाता है सामान वामान रखने के लिए। पसंद आई कैसी है? टेस्ट ड्राइव भी करके देखेंगे, अब पहले नहीं 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 पहले, हाँ पहले ये बंद होगा फिर ये बंद होगा, मेरे से ज़्यादा तो नहीं पता। और आपको देखो भाई यहाँ पे LED वगैरह मिल जाती है बैक में भी, हर कोई बंदा चेक कर रहा है। अरे MX5 में ना बैक में आपको एक कवर मिलता है, क्योंकि अंदर ही स्टील रिम मिला हुआ है, वैसे तो अलॉय देते हैं MX5 में, बट स्टेपनी में नहीं होता MX5 के अंदर, चेक कर रहे हैं भाई हर कोई बंदा। टायर ये अलॉयज हैं, इससे ऊपर वाला मॉडल लगा उसके अंदर दूसरे डायमंड कट अलॉय, जो एक्स ऐसा वाला उसका डिजाइन है, बट ये भी अलॉयज है MX5 में। ऊंची कितनी है? 8 घंटे। वो ड्राइविंग सीट बैठ के भी देख सकते हैं अंदर से, ये ओपन करी, और ये देखो इसमें ऊंची गाड़ी के लिए इसको ऐसे चढ़ने के लिए आपको एक ग्रैब हैंडल होता है, और ये आप इस पर ईजिली ऐसे चढ़ सकते हैं, ये लो जी सनरूफ तो मैंने दिखाया था, इससे टॉप ऊपर वाले मॉडल में बड़ा सनरूफ है, इसमें छोटा वाला मिलता है, और इसके अंदर आप ये देखो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, हैंड ब्रेक का ऐसा सिस्टम है पार्किंग और ब्रेक का, और ये तो ऑटोमेटिक वाला है, 4x2 में है ये, 4x4 वाला मॉडल नहीं है ये, सारा सिस्टम देखो, इंफोटेनमेंट सिस्टम, एंड्रॉयड एप्पल कारप्ले वगैरह, और ये स्टेयरिंग के ऊपर सारी चीज़ें, तीन तो आराम से आएंगे, तीन के लिए तो है ये भाई, ये एक्साइटमेंट है नई थार में फर्स्ट टाइम, देखो आ जाओ, कंफर्टेबल है, कंफर्टेबल है, बस ये हो गई है भाई, पूरी फैमिली कार बन गई है, ऑफ रोडिंग वाली भी, इसी लेके मनाली चलते हैं। है भाई जगह, स्पेस है काफी, कितनी मतलब पूरा काफी अच्छी खासी कर रखी है,
बढ़िया है। और ये हैंडल पकड़ने के लिए भी है, ये चढ़ने के लिए है जो ये है ना, ये मतलब पकड़ के चढ़ने के लिए है। यहाँ ये स्पीकर आपको मिल जाते हैं, स्पीकर भी है यहाँ पे, पीछे भी स्पीकर दे रखे ना, वो पीछे भी है स्पीकर दो, स्पेस तो है लेकिन कितने अच्छा ये देखो, ये जो हाथ रखने का है ऐसे ऐसे, और ये ऐसे अंदर सामान रखने के लिए स्पेस का, दो बोट कप होल्डर यहाँ मिल जाते हैं। एसी पीछे भी होगा इसका, एसी भी होगा और वो भी होगा, चार्जिंग का भी होगा पीछे। ग्लव बॉक्स थोड़ा छोटा सा है ना, ग्लव बॉक्स थोड़ा छोटा है, चार्जिंग का होगा पीछे। ये अगर 4x4 होगी तो उसका मिलेगा 4x4 गियर, अभी यहाँ पे स्पेस है। चलो भाई ये देखो, यहाँ पे भी आपको क्रोम फिनिश मिलता है डोर्स में भी, एंड उतरने के लिए थोड़ा सा, क्योंकि ऊंची गाड़ी है तो भाई ऊंची तो है बढ़िया। चढ़ने के लिए यहाँ पे आप ग्रैब हैंडल इधर मिल जाता है, पीछे वाला डोर मिल जाता है, और ये जो फील है देख रहे हो, ये चीज़ देखी आपने, मतलब ऐसे ये थोड़ा सा रगड फील जो होती है ना वो चीज़। बैक में आप देखोगे ना तो यहाँ भी आपको ग्रैब हैंडल मिल जाता है, अब इसको होल्ड करके इजीली चढ़ सकते हैं। बोतल होल्डर भी मिला हुआ छोटा सा, आगे भी है बढ़िया। और यहाँ पे ये देखो गाड़ी ऊपर जा रही है, ऐसा बना रखा है डेजर्ट वाला, ऑफ रोडिंग कार है ना सुनिए। और ये भी भाई मतलब शाइन मार रहा है, कलर भी रेड कलर, जैसे लाल कलर भी अच्छा लग रहा है, ब्लैक की अलग बात है लेकिन लाल में यार ब्लैक ब्लैक तो ब्लैक है। थार रॉक्स। सो भाई ये तो भी आपको जल्दी जल्दी में दिखाई है, क्योंकि एक्साइटमेंट इतनी ज़्यादा थी मेरी और इन सब की भी, पहली बार इतनी खतरनाक गाड़ी देखी है 20 बैठ के, बढ़िया लगा। और वेट कर रहे हैं, गाड़ी आएगी, अपना नंबर आ चुका टेस्ट ड्राइव का, टेस्ट ड्राइव के लिए बहुत लंबी लाइन लगी है। अगर तो यहाँ पे एक विनय भाई थे, ऑल थैंक्स टू उन, मतलब उनको थैंक यू भाई, क्या बोल रहा हूँ मैं, सुन पड़ जाओगे गाड़ी चला रही ना अभी, घबराहट नहीं सुन सा पड़ चुका हूँ मैं, पहली बार थार रॉक्स चलाएंगे भाई, तो मैंने उनको भेज दिया था अपना ड्राइव डीएल वगैरह, उन्होंने पहले नंबर लगवा दिया मेरा सुबह, तो आते ही अपना नंबर आ गया, बस गाड़ी आएगी फिर टेस्ट ड्राइव पे देखेंगे चला के। वो आ गई भाई अपनी, और ये टॉप मॉडल है भाई जिसपे अपनी टेस्ट ड्राइव होगी, थार रॉक्स वाइट कलर में टॉप मॉडल। अरे आगे क्यों नहीं कर रहा बंदा, ये आ गई भाई। और ये देखो ये टॉप मॉडल में ना अलॉयज ये वाले मिलते हैं जिसका सिंबल ये है, थार रॉक्स ये है भाई साहब, वाइट कलर में भी क्या खतरनाक ला रही है भाई लुक। चलिए जी ड्राइविंग के लिए बोलिए दल्यान जी, ये ऑटोमेटिक होती है ना इसकी इलेक्ट्रॉनिक सीट से। ओके अच्छा ऐसे ठीक ठीक ठीक, तो काफी सॉफ्ट है इसका स्टीयरिंग, स्टीयरिंग लाइट वेट है सर, इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग है, बहुत ज्यादा सॉफ्ट है। अरे जैसे 19 का पड़ रहा है, 19 साढ़े 19 का है ना शायद ऑन रोड, वो 4x2 में टॉप मॉडल था, तो वो 4x4 में कितने से लेना है? स्ट्रेट 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 ठीक है, तो कितने का पड़ जाएगा? तो 4x4 टॉप मॉडल ही आएगा, जैसे ये MXL 5 और एक दो में है ना डीजल में, ये मेरे हिसाब से 28 तक जाएगा ये वाला, तो MX5 को कितना जाएगा यहाँ से? लोग 22 बॉक्स। अच्छा जैसे ये वाला है इसमें जिप जैप जूम का क्या सिस्टम है? वो 4x2 में आते हैं, 4x4 में नहीं। अच्छा 4x4 में जिप जैप जूम है ही नहीं? नहीं, इसमें वो तो होगा ना, ट्रेन सिस्टम आएगा इसमें, सैंड और मड और उसका, हां मॉडर्न सिस्टम आएगा इसमें। लेकिन अच्छा ये पूरा लेदर लेदर है, वो अपनी यहां से मड्स, अच्छा यहां से चलेंगे ट्रेन ऑन सीधा लेफ्ट लेफ्ट। ओके 4x4 ये आपको 4x4 में ही लगेगा, 4x4 यूज कर। अच्छा एक चीज और बताओ मेरे को, ऐसा सुनना था मैंने कि जो ऑटोमेटिक है ये डीजल में उसमें पावर ज्यादा दी है एज कंपेयर टू मैनुअल, ऐसा ऐसा है ना? मैनुअल
लेकिन वही मैं बोलने वाला था कि डीजल गाड़ी है, लेकिन ऐसा फील नहीं हो रहा, ना साउंड है ना कुछ है, केबिन वॉइस नहीं है, केबिन वॉइस ऐसे है नहीं। लेकिन ये तो बात है कि महिंद्रा ने थोड़ा सा वो किया है कि हर वेरिएंट में कुछ 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 ऐसा कर दिया कि बंदा ऊपर वाला दे, और 4x4 तो ऊपर में ही दिए नीचे दिए। अब वेटिंग कितनी जाएगी, क्या लग रहा है आपको इसकी? साल डेढ़ साल, साल डेढ़ साल, साल डेढ़ साल, साल डेढ़ साल, बस ये देख रहा हूँ गाड़ी कब मिलेगी। बहुत ज्यादा है वेटिंग तो इसकी। लेकिन ये तो है कि मतलब स्टीयरिंग बहुत ज्यादा इसको सब से मेन चीज है। पहला मतलब 4x4 के अंदर एक तो थार भी चेंज आ रही है, ठीक है जी, जो फीचर्स मैं दे रहा हूं कंपैरिजन में कोई गाड़ी नहीं है, वही तो कस्टमर वेट करेगा। और ये लाइट वेट, लाइट बहुत है स्टीयरिंग इसका, मतलब बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा। देखो ना फ्रंट एंट्री, फ्रंट ड्राइवर एंड क्वार्टर में दोनों वेंटिलेटेड सीट्स है। अच्छा ये वेंटिलेटेड सीट्स भी है ना, और ठंडा हो गया पूरा पीछे से कमर। लाइन लगी, इसलिए इसमें ना कुछ कुछ चीजें आपको बता दिखाना चाहूंगा। ये आप देखो सामने, ये आपको यहाँ पे साइड में ना आपको बटन मिल जाते हैं पेट्रोल का, टैंक का जो खोलने के लिए पहले बाहर से निकालना पड़ता था चाबी से, अब वो इधर। और 4x4 नहीं है, 4x4 होती तो यहाँ पे एक इंटेली टर्न का भी जिसमें मिलता है सिस्टम, जिसमें कि पीछे का टायर वो हो जाता है, मतलब जब टर्न लेती है गाड़ी फोकस नहीं दे रहा। हाँ ये तो ये कुछ इंटीरियर है, मतलब गाड़ी ऐसी है भाई, बैठोगे आप इसमें देखोगे तो आपका मन ही नहीं करेगा कि अब बाहर निकलो, और मन करेगा बस यहीं से बुक कराओ निकल लो। ये थोड़ा सा है कि यार 4x4 गाड़ी है, ऑफ रोडिंग वाली है, तो वाइट सीट्स जो है ना ये थोड़ा सा प्रॉपर वाइट तो नहीं है, ये थोड़ा सा क्रीमिश है। और पीछे की सीट में देखो यहाँ पे आपको आर्मरेस्ट और उसके अंदर ही बोतल होल्डर का मिल जाता है, तो ये है भाई बढ़िया। हर कोई बंदा दो रुक के देख रहा है, MX-5 वेरिएंट है थार का, थार रॉक्स। हाँ जी गाइस, तो ये थी वीडियो थार रॉक्स की टेस्ट ड्राइव की। भाई इतनी प्यारी गाड़ी है, इतनी प्यारी गाड़ी है, मतलब आप इसको चलाओ, आप बैठ के देखो, आप जाके देखो अपने नियरेस्ट शोरूम में, आपको प्यार हो जाएगा इस गाड़ी से, इतना बोलूंगा मैं। और मेरा तो पर्सनली बताऊं तो भाई 2014-15 से एक ड्रीम है थार ड्रीम, और उसको नई वाली थार को जब टेस्ट ड्राइव करी आपने देखा भाई, उस टाइम क्या एक्साइटमेंट लेवल थी, मतलब खुशी थी वो एक तरह से अंदर से, है ना। तो अब यार देखो बात ऐसी है कि अपने ना स्कॉर्पियो एन भी हमने अपने ऑप्शन में रखी हुई थी, और अब थोड़ा सा ऐसा हो गया कि भाई थार रॉक्स के लिए देखते हैं कितनी वेटिंग वगैरह जाती है इसकी, तो वो सब बात बात करी वहाँ पे। बाकी आने वाले दिनों में देखते हैं, वीडियोज आपको और देखने को मिलेगी पूरी डिटेल, हर वेरिएंट के अलग अलग फीचर सब कुछ आपको दिखाएंगे तसल्ली से। आज तो थोड़ा जल्दीबाजी तो देखो थी वहाँ पे, बाकी देखो ऊपर वाले ने चाहा तो भाई थार रॉक्स आ जाएगी, क्योंकि देखो हम लोग सिर्फ प्लान कर सकते हैं, जो होगा जो होना है वो वही होगा जो ऊपर वाले को मंजूर होगा। और यार बाकी देखो सब लोग जो साथ में थे सबको थार पसंद आई ये वाली, एंड फैन हो गए। और जो एक चीज़ है जिमनी से, वो मजाक वाली बात थी, जिमनी से कंपैरिजन मैं मानता हूँ थार रॉक्स का हो ही नहीं सकता, है ही नहीं कंपैरिजन, क्योंकि जिमनी यार 13-14 लाख में आपको 4x4 मिल रही है, पर इसके अंदर थार रॉक्स में 4x4 जाएगा 22 लाख तो जाएगा ही जाएगा भाई, MX-5 जहां से शुरुआत है, तो कंपैरिजन नहीं हो सकता, हर गाड़ी अपनी जगह पे सही है। अभी यहाँ पे रुके हुए हैं, करनाल हवेली पहुंच गया, यहाँ पे ब्रेक लिया, दिल्ली के लिए निकले। वेटिंग का थोड़ी दिक्कत है, वेटिंग का है क्योंकि वेटिंग जाएगी तगड़ी, ये तो पक्की बात है, लेकिन ठीक है कुछ जुगाड़ ढूंढना पड़ेगा उसको, अभी कुछ ना पैसा चाहिए मोटा लेकर। अरे मेन बात यह है स्कॉर्पियो एन भी देखी उसके बाद, और हार रॉक्स में बैठने का स्कॉर्पियन किसी को जमी नहीं, देखते हैं क्या आएगी ऊपर वाले को भी पता है क्या आएगी, थार या स्कॉर्पियो एन। अच्छा हाँ आप लोग बताओ कि कौन सी ज़्यादा सही है। देखो स्कॉर्पियन अपनी जगह बड़ी है, 7 सीटर में 4x4 मिल जाता है, थार 5 सीटर में है, लेकिन थार रॉक्स की अपनी बात है, थोड़ा सजेशन दो कौन सी ज़्यादा बढ़िया है, बाकी लेट्स सी क्या होता है। यहाँ खाना खा के निकलते हैं अपन दिल्ली के लिए, जो भी होगा आपको पता चल जाएगा, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो। थार या स्कॉर्पियो एन, जिमनी तो कैंसिल फिर, जिमनी तो ऑप्शन ही नहीं है। अरे बाप रे, तो 1% चांस है उसका तो। अरे भाई
जिमनी 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 अपनी जगह वो है 13-14 लाख में फोर है, पर ठीक है, स्कॉर्पियो एंड थार में से आई है सब कुछ।